प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18 फरवरी से 4 दिनों के लिए जापान दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान बिहार में मिनी बुलेट मेट्रो टाइप ट्रेन लाने को लेकर नीतीश सरकार और जापान सरकार के बीच औपचारिक समझौते किए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये ट्रेन पटना से बोधगया के बीच लगभग 100 किलोमीटर के बीच चलेगी। इस रूट का पर्यटन के लिहाज से काफी महत्व है। पूरे विश्व के बौद्ध लोगों के लिए बोधगया सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जापान सरकार फंड देगी। पटना बोधगया के बीच 100 किलोमीटर की यात्रा में राजगीर नालंदा स्टेशन होंगे। ये पूरा रूट अंडरग्राउंड होगा। इस ट्रेन का स्वरूप मेट्रो और बुलेट की तर्ज पर बनेगा। जापान दौरे में विशेषज्ञों के साथ बातचीत कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। दावा है कि बिहार का ये अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट और निवेश हो सकता है। चर्चा है कि इस ट्रेन समझौते के अलावा जापान से रिकॉर्ड निवेश के भी प्रोजेक्ट्स को बिहार में लाने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। नीतीश कुमार के साथ बिहार सरकार का एक हाई लेवल प्रतिनिधि मंडल भी जापान जा रहा है। इस बड़े प्रोजेक्ट के अलावा राज्य सरकार जापान सरकार के साथ करोड़ों रुपए के दूसरे निवेश पर भी समझौता कर सकती है। हाल के वर्षों में नीतीश कुमार की अपने राज्य में निवेश लाने के लिए ये पहली विदेश यात्रा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।